हेलो एवरीवन वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स मैं राहुल गौतम आपका अकाउंटेंसी एजुकेटर और लेके आया हूं आज हमारी सीरीज चल रही सर इसी सीरीज में आज फिर से आप लोगों के लेके आया हूं दो शानदार क्वेश्चंस फ्रॉम अकाउंट्स इनकम्प्लीट कहां से कर रहे हैं हम सिंगल एंट्री सिस्टम यानी कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से अकाउंट्स बनाना है अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड राइट सिंगल एंट्री सिस्टम भी हम इसको कहते हैं अभी तक इसके हम सेवन क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं सर ये कहानी ऐसी है कि सर आपके पास ना कुछ 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 इंफॉर्मेशन है इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन उससे आपको प्रॉफिट एंड लॉस डिटरमाइन करना है ऑफ दी Enterprise, right? आपको मालूम है साथ, मेरे सारे आपको मिलते हैं प्ले लिस्ट में और प्ले लिस्ट लिंक मिलती है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चलिए तो शुरू करते हैं आज का सीधा क्वेश्चन हमें बनाने पड़ते हैं बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और इसके बाद हमें बनाना पड़ता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स तो यहां पे मिस्टर कुमारन जी हैं अ ट्रेडर डज नॉट की फर्निसेस यू द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स दैट इज कैसेट बैंक कैश इन हैंड स्टॉक एंड ट्रेड डेटर्स ऑफिस इक्विपमेंट सेंट्रिक क्रेडिटर्स एंड फर्नीचर्स आर गिवन फॉर ट्वेंटी टू एंड ट्वेंटी थ्री राइट ड्यूरिंग द ईयर कुमारन इंट्रोड्यूस्ड सिक्स थाउजेंड एस फर्दर कैपिटल यानी कि आपको मिल जाता है एडिशनल कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर आपको क्या मिल जाता है एडिशनल कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर मिल जाता है सर ठीक है एंड विथड्रॉ फोर थाउजेंड एस ड्राइंग्स तो ड्राइंग्स भी मिल गया आपको राइट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट टेन परसेंट एंड ऑन ऑफिस इक्विपमेंट एट फाइव परसेंट पर

क्मेंट पर राइट तो सर कैसे डिटरमाइन करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस दैट इज एडिशनल उसके बाद जो प्रॉफिट एंड लॉस आएगा उसमें फर्दर हम डेप्रिशिएशन को एडजस्ट कर देंगे तो बचेगा आपको एट द एंड ऑफ दर जो भी प्रॉफिट आपने जनरेट किया है राइट right. इस तरीके से करने वाले हैं। इसका तरीका ये अब दूसरा तरीका ये भी होता है कि मैं ना इसको बैलेंस में यानी कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में ही डेप्रिसिएशन वगैरह की वैल्यू कम करने के बाद ही आपको एसेट्स की वैल्यू लू उस पर मत जाओ ना वो थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा पहले हम करते हैं साधारण तरीके से सिंपल तरीके से ठीक अब ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन तो बना लेंगे सर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ओपनिंग भी बनेगा क्लोजिंग बनेगा दोनों स्टेटमेंट ऑफ आफ अफेयर बना लेंगे तो मुझे मिसिंग फिगर मिल जाएगा ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल शुरू करूं अच्छा एक बहुत सिंपल फॉर्मेट लेते, है लेते हैं सर पर्टिकुलर्स अमाउंट लेते हैं पर्टिकुलर्स अमाउंट और इसमें लिख देते हैं हम कि सर ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है बस इसके अलावा कुछ लिखते हैं क्या लिखेंगे सर इसमें स्टेटमेंट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर दी ईयर एंडिंग ऑन 31st फर्स्ट मार्च ट्वेंटी थ्री नॉट फोर ट्वेंटी थ्री अमाउंट क्या क्या करते हैं सर नॉर्मल जैसे करते हैं वैसे कर लो पहले आपके पास होता है सर स्टार्टिंग में क्लोजिंग कैपिटल नहीं है कैलकुलेट कर लेंगे उसमें से हम प्लस करते हैं सर इसमें ड्रॉइंग्स डूरिंग द ईयर ड्रॉइंग्स डूरिंग द ईयर फिर सर इसमें से लेस करते हैं ओपनिंग कैपिटल क्या, क्या करते हैं ओपनिंग कैपिटल ओपनिंग कैपिटल और लेस करते हैं एडिशनल कैपिटल तो आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस विदाउट एडजस्टमेंट और फिर एडजस्टमेंट पे बाद में चर्चा करेंगे अभी इतना निकाल देते हैं। तो सर ड्रॉइंग्स और और एडिशनल कैपिटल इज गिवन इन द क्वेश्चन एडिशनल कैपिटल सिक्स थाउजेंड ड्राइंग्स फोर थाउजेंड तो सिक्स थाउजेंड कर दीजिए यहां पे माइनस और इधर कर दीजिए सर प्लस फोर थाउजेंड राइट अब चलते हैं सर कि हमें चाहिए क्लोजिंग और ओपनिंग कैपिटल उसके लिए बनेगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ये इट इज जस्ट लाइक अ बैलेंस शीट बट नॉट अ बैलेंस शीट बनेगा सर मैंने क्या तरीका बताया था कि सर दोनों एक साथ बन सकते हैं बस कॉलमनर फॉर्म बना लीजिए कॉलम बना लेते हैं सर एक हो जाएगा ट्वेंटी टू का और एक हो जाएगा ट्वेंटी थ्री का तो एक ही स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में मैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल जो है वो कैलकुलेट कर सकता हूं इसको लिखेंगे ऊपर हेडिंग में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स As on 31st March 23 and 31st March 22. Hmm. दोनों बना रहा हूं सर ठीक अब ये हो जाता है लाइबिलिटीज टू थाउजेंड ट्वेंटी टू एंड टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री ये हो जाती है एसेट्स और ट्वेंटी टू एंड ट्वेंटी थ्री अब आप बोलोगे सर ये तो बैलेंस सीट है हाँ मैं बोल रहा हूं ना स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कुछ नहीं है बैलेंस शीट ही है बट एग्जैक्ट बैलेंस सीट नहीं है ना आ जाइए तो आपके पास कैसेट बैंक है कैश इन हैंड है स्टॉक एंड ट्रेड कहां जाएगा सर एसेट साइड जाएगा ना लिख लो कैश इन हैंड कैश एट बैंक स्टॉक इन ट्रेड तीन आइटम सर एसेट्स थे, डेटर्स भी सर एसेट्स हैं ऑफिस इक्विपमेंट भी एसेट्स हैं डेटर्स ऑफिस इक्विपमेंट ऑफिस इक्विपमेंट सेंड्री क्रेडिटर्स इज अ लायबिलिटी. डरी क्रेडिटर्स लाइब्रेटी तो लाइब्रेटी साइड रिकॉर्ड कर दूंगा सेंडरी क्रेडिटर्स और लास्ट आइटम आपके पास फर्नीचर क्या है आपके पास फर्नीचर राइट कर लिए वैल्यूज लेते हैं सर फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड और थ्री थाउजेंड Four thousand five hundred and three thousand. Next item three hundred and four thousand. Three hundred and four thousand. Fair up your pass, sir. Stock 40, and trade forty thousand and forty five thousand. Forty thousand and forty five thousand. Right? Debtors. डेटस अमाउंटिंग टू ट्वेल्व एंड ट्वेंटी ट्वेल्व एंड ट्वेंटी ट्वेल्व एंड ट्वेंटी राइट फिर आपके पास है ऑफिस इक्विपमेंट फाइव थाउजेंड फाइव थाउजेंड ये देखो यहां डेप्रिशिएशन नहीं लगा ना, तो हिडन एडजस्टमेंट भी निकाल सकते थे लेकिन रेट ऑफ डेप्रिशिएशन नहीं मालूम होता इसलिए जब देखा होगा तभी निकालेंगे डरी क्रेडिटर्स थर्टी थाउजेंड एंड ट्वेंटी थाउजेंड सेंडरी क्रेडिटर्स थर्टी थाउजेंड एंड ट्वेंटी थाउजेंड सर राइट लास्ट फर्नीचर फोर थाउजेंड एंड फोर थाउजेंड ये कर दिया मैंने फोर थाउजेंड फोर थाउजेंड ठीक अब मैं क्या कर सकता था ऑफिस इक्विपमेंट और फर्नीचर पे डेप्रिशन माइनस करने के बाद इधर वैल्यू लिख सकता था तो सीधा ओपनिंग कैपिटल माइनस करता प्रॉफिट आ जाता है लेकिन आप उसको समझो कि एडजस्टमेंट डेप्रेशन का कैसे प्रोवाइड करना है ठीक अब अभी नहीं करेंगे आप कर टोटल। बोलती टोटल एसेट्स इस तो, टोटल तो कितना आ रहा है एसेट्स का टोटल सर फोर प्लस थ्री सेवन फिफ्टी टू और ये हो जाएगा सेवनटी टू और सेवेंटी टू तो फाइव सेवेंटी सेवन प्लस एटी वन थाउजेंड जो है वो मेरा एसेट साइड का टोटल आता है इधर भी चाहिए एट्टी वन ठीक तो सर एट्टी वन हो गया एट्टी वन माइनस कर दो ट्वेंटी तो हो जाएगा सिक्सटी वन ये आ गया मेरा क्या क्लोजिंग कैपिटल अब इसी प्रकार इसको टोटल कर लो तो ये हो जाएगा फोर्टी फोर प्लस ट्वेल्व 56, 56 प्लस फाइव सिक्सटी और इधर भी चाहिए सर सिक्सटी फाइव एट हंड्रेड राइट हाँ इधर थर्टी थाउजेंड माइनस है तो थर्टी फाइव थाउजेंड एट हंड्रेड हो गई मेरी ओपनिंग कैपिटल अब इसको कहां पे एडजस्ट करना है सर इधर आ जाओ क्लोजिंग कैपिटल कितनी है 61 और ओपनिंग कैपिटल कितनी है थर्टी फाइव कर लो सर इनको प्लस माइनस तो ये बन जाएगा सर 65 और ये बन जाएगा सर माइनस का फोर्टी वन फोर्टी वन थाउजेंड एट हंड्रेड सिक्स माइनस फोर्टी वन एट 3, 6 सर जीरो थाउजेंड टू हंड्रेड अब ये आया आपका क्या प्रॉफिट आया ये क्या आया प्रॉफिट आया भी. अभी अभी लेकर एडजस्टमेंट के पहले का प्रॉफिट है प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट अब इसमें करने हैं एडजस्टमेंट्स कौन कौन से adjustments करने हैं सर? आपको सर करने हैं एडजस्टमेंट्स ये वाले कौन वाले? ये वाले. क्या? Furniture को depreciate करना है वाई टेन परसेंट तो फर्नीचर है फोर थाउजेंड फोर थाउजेंड का टेन परसेंट तो यहां पे करेंगे हम लेस डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर फोर थाउजेंड का टेन परसेंट तो हो जाएगा सर फोर हंड्रेड दूसरा डेप्रिशिएशन प्रोवाइड करना है ऑन इक्विपमेंट वो हो जाएगा सर इक्विपमेंट कितने के हैं फाइव थाउजेंड के सर और डेप्रिशिएशन का रेट कितना है फाइव परसेंट फाइव तो थाउजेंड का फाइव परसेंट तो ये हो जाएगा सर टू हंड्रेड एंड फिफ्टी कर लीजिए सर दोनों का एडजस्ट टू हंड्रेड से टू हंड्रेड का फोर फिफ्टी तो ट्वेंटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड फिफ्टी ये आ गया आपका प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट बात समझ में आई बेटा कितना आ गया ये आ गया ट्वेंटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड फिफ्टी अब कर लीजिए इसका इस स्क्रीन शॉट कैप्चर स्क्रीन शॉट कैप्चर करेंगे फिर चलेंगे हम आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा कंप्लीट हो जाता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस था और ये रहा आपका स्टेटमेंट ऑफ आफ अफेयर्स आफ स्टेटमेंट ऑफ आफ अफेयर्स डन मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सर और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन नंबर नाइन को ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है सर कीप्स हिज बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम फ्रॉम फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन बाय हिम असर्टेन हिज प्रॉफिट और लॉस फॉर दर हंड्रेड थर्टी फर्स्ट मॉय ट्वेंटी थ्री On 31st March 22, his position was as follows: plant and machinery, stock, cash and hand, debtors, and loan from Anis 1000 at 4% per annum interest. Bank overdraft 1100, creditors 12120. On 31st March 22, he owed to his creditor 9170. Had paid to Anis 500 in lieu of his loan on 1st October 22, but had paid no interest.

स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनेगा और फिर करेंगे एडजस्टमेंट्स तो बना ले तो मैंने कॉपी पेस्ट कर लिए थे फॉर्मेट्स ये रहे मेरे पास फॉर्मेट फॉर्मेट ये रहे सर ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट हो गया इसको कहां से स्टार्ट करते हैं सर क्लोजिंग कैपिटल इसको स्टार्ट करते हैं सर हम क्लोजिंग कैपिटल और इसमें हम सर ऐड करते हैं ड्रॉइंग्स एड कर लीजिए सर ड्राइंग्स लेस कर लीजिए सर ओपनिंग कैपिटल और एडिशनल कैपिटल एडिशनल कैपिटल तो सर देखो ड्रॉइंग्स और एडिशनल कैपिटल गिवन ड्रॉइंग्स एट थाउजेंड थ्री हंड्रेड और एडिशनल कैपिटल सॉरी सॉरी एडिशनल कैपिटल माइनस करना पड़ेगा टेन थाउजेंड का सर ठीक टेन थाउजेंड का एडिशनल कैपिटल माइनस करना है ठीक अब क्या करना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना लीजिए फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी बना के रखा है आ जाओ एक एक आइटम पहले बाईस का बना लेते हैं फिर तेईस का बनाएंगे ठीक तो सबसे पहला आइटम आपके पास क्या है प्लांट एंड मशीनरी कहां जगह होती सर एसेट साइड तो ये रहा मेरा प्लांट एंड मशीनरी और इसका वैल्यू था थर्टी थाउजेंड राइट फिर आपके पास क्या है सर सेकेंड आइटम स्टॉक स्टॉक अमाउंटिंग टू फाइव थाउजेंड स्टॉक कितने से है फाइव थाउजेंड से है सर तो ये लिख दिया मैंने सर स्टॉक का फाइव थाउजेंड नेक्स्ट आइटम मेरे पास है सर यहां पे कैश इन हैंड हंड्रेड रुपीज कैश इन हैंड हंड्रेड रुपीस कैश इन हैंड हंड्रेड रुपीस नेक्स्ट आइटम है सर मेरे पास डेटर्स डेटर्स भी सर मेरे लिए एसेट्स होते हैं तो एसेट साइड रिकॉर्ड कर लिया अमाउंटिंग टू सेवेंटीन थाउजेंड राइट अब अब है सर आपके पास लोन फ्रॉम अनीस वन थाउजेंड तो ये लिख दिया मैंने लोन फ्रॉम अनीस वन थाउजेंड नेक्स्ट आइटम आप सर आपके पास इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट करेंगे रुक जाओ बैंक ओवर ड्राफ्ट इलेवन हंड्रेड बैंक, बैंक ओवर ड्राफ्ट बैंक ओवर ड्राफ्ट कितना इलेवन ठीक फिर है सर लास्ट आइटम क्रेडिटर्स ट्वेल्व थाउजेंड वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी क्रेडिटर्स ट्वेल्व थाउजेंड वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी है ना वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी राइट सर तो ओपनिंग के सारे बैलेंसेस रिकॉर्ड हो गए अब मेरी यहां पे ओपनिंग कैपिटल डिटरमाइन हो सकती है हाँ जी सर हो सकती है निकाल दीजिए ओपनिंग कैपिटल तो टोटल करना पड़ेगा सर एसेट साइड का टोटल कितना आ रहा है ये हो गया सर 22 ट्वेंटी टू तो फिफ्टी टू वन हंड्रेड फिफ्टी टू वन हंड्रेड और इधर भी मुझे यही चाहिए सर फिफ्टी टू वन हंड्रेड टोटल ऑफ एसेट साइड फिफ्टी टू वन हंड्रेड माइनस करना है ट्वेल्व प्लस टू फोर्टीन थाउजेंड टू हंड्रेड एंड ट्वेंटी जीरो एट टेन माइनस टू इज अगेन एट एलेवन माइनस फोर इज सेवन फोर माइनस वन इज थ्री थ्री सेवन एट एट जीरो हो जाती मेरी ओपनिंग कैपिटल डिटरमाइन साथ में क्यों नहीं किया क्योंकि हमें इसमें एडजस्टमेंट्स बहुत सारे करने थ्री सेवन एट एट जीरो को लेके जाएंगे ओपनिंग कैपिटल थ्री सेवन एट एट जीरो ओपनिंग कैपिटल चलो ये काम हो जाता है सर अब आ जाओ इधर थर्टी फर्स्ट मार्च को क्रेडिटर्स कितने बचे नाइन वन सेवन जीरो तो क्रेडिटर्स को चलते हैं ट्वेंटी थ्री में लिख देते हैं नाइन वन सेवन जीरो नेक्स्ट आइटम है ड पे टू अनिसाइव हंड्रेड इन ल्यू ऑफ हिज लोन ऑन फर्स्ट अक्टूबर तो फाइव हंड्रेड रुपीज कम कर दिया तो वन थाउजेंड थे फाइव हंड्रेड पे कर दिया कितना बचेगा अभी फाइव हंड्रेड इंटरेस्ट का भी हम चार्जिंग ऑफ करेंगे ठीक चलो सर इसके बाद क्या है सर इसके बाद है अनिस का फाइव हंड्रेड हो गया सर चलो ही है तो तेरह हजार का प्लांट मशीनरी और परचेज किया तो अभी प्लांट एंड मशीनरी का, तो का प्लांट मशीनरी हो गया डेटस वेर ट्वेंटी हंड्रेड ही वुड नॉट बी एबल टू कलेक्ट नाइन हंड्रेड का एडजस्टमेंट बाद में करेंगे डेटस कितने बचे अभी एडजस्टमेंट के बाद में करूंगा ठीक? तो 23, पे सर मार्क कर दीजिए अब। आता है, hmm. तो यह हो गया फोर थाउजेंड वन हंड्रेड स्टॉक वैल्यूड एट फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड लिखा था ना ऐसा सर लिखा था क्या सारे आइटम्स चले गए बिल्कुल सर इधर कोई बचा है क्या बैंक ओडी के बारे में बात नहीं की तो क्या करें सर बैंक ओडी के बारे में कोई भी बात उन्होंने नहीं की इसका मतलब है कि बैंक ओडी जो है वो पेमेंट हो चुका होगा बैंक ओडी को मैं इट फॉरवर्ड करूं कैरी फॉरवर्ड करूं नहीं सर आवश्यकता नहीं है बैंक ओडी हम समझ लेंगे कि पे ऑफ हो गई होगी तभी तो हमारे पास कोई बैलेंस नहीं देखा कुछ इन्फॉर्मेशन भी नहीं है तो ऑप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन यही कंसिडर करेंगे कैलकुलेट कर लो क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा तो ये हो जाएगा सर फोर्टी थ्री प्लस फोर फोर्टी सेवन प्लस फोर फिफ्टी वन और फिफ्टी वन में आपने ऐड किया ट्वेंटी थ्री तो सेवेंटी फोर सिक्स हंड्रेड सेवेंटी फोर थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सेवेंटी फोर थाउजेंड सिक्स हंड्रेड अब ये माइनस कर दो सर सेवेंटी फ़ोर थाउजेंड सिक्स हंड्रेड माइनस कर दीजिए नाइन सिक्स सेवन जीरो जीरो टेन माइनस सेवन एस थ्री फिफ्टीन माइनस सिक्स एस नाइन थर्टीन माइनस नाइन एस फोर और सिक्स सिक्स फोर नाइन थ्री जीरो सिक्स फोर नाइन थ्री जीरो आ गई आपकी क्लोजिंग कैपिटल क्या आ गई आपकी ये क्लोजिंग कैपिटल आ गई सर ठीक है अब बात समझना मैडम एक बार ये देख लो ट्वेंटी थ्री फोर्टी तो ट्वेंटी सिक्सटी सिक्स प्लस फोर सेवेंटी सेवेंटी फोर सिक्स हंड्रेड सही है ना कैलकुलेशन मुझे डाउट था तो अब मैं इस फिगर को लेके जाऊंगा सिक्सटी फोर नाइन थ्री जीरो सिक्सटी फोर नाइन थ्री जीरो सिक्स फोर नाइन थ्री जीरो थ्री जीरो ना हाँ सर थ्री जीरो कर लो सर इनको प्लस माइनस जीरो थ्री ट्वेल्व थर्टीन सेवन थ्री टू थ्री जीरो और नेगेटिव फिगर आया आपका फोर्टी सेवन एट एट जीरो ठीक तो इन दोनों को प्लस माइनस किया तो आ गया प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट ठीक कितना हो जाएगा सर माइनस कर लो जीरो थर्टीन माइनस एट इज फाइव एलेवन माइनस एट इज थ्री ट्वेल्व माइनस सेवन इज फाइव सिक्स माइनस फोर इज टू ट्वेंटी फाइव थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड फिफ्टी आ गया अब कर रहे हैं एडजस्टमेंट दो एडजस्टमेंट्स हैं एक बैड डेट्स का है नाइन हंड्रेड पहले माइनस कर लो माइनस कर लो इसमें से बैड डेट्स कितना 900 सर दूसरा है सर इंटरेस्ट एक हो गया एडजस्टमेंट दूसरा एडजस्टमेंट किसका है इंटरेस्ट का बात समझना कब पे किया है अक्टूबर में तो दो इंटरेस्ट लगेंगे 1000 पे लगेगा पहला 4 परसेंट कितना हो जाएगा 1000 का 4 परसेंट ये हो गया सर 40 रुपीस और ये 40 रुपीस लगेगा 6 बाय ट्वेल्व तो कितना हो जाएगा सिक्स बाय ट्वेल्व तो हो जाएगा सर ट्वेंटी रुपीस ट्वेंटी रुपीस हो गया एक दूसरा अब अक्टूबर से बचे पांच सौ रुपए अक्टूबर में पे ऑफ कर दिए तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च तो छह महीने का तो फाइव हंड्रेड का फोर परसेंट ट्वेंटी रुपीस इंटू सिक्स बाय ट्वेल्व टेन रुपीस टोटल इंटरेस्ट कितना लगेगा थर्टी रुपीस टोटल इंटरेस्ट लगेगा थर्टी रुपीस माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन और कोई एडजस्टमेंट दिख रहा है क्या क्या आपको जल्दी से बताओ क्या हमें इसके अलावा और कोई एडजस्टमेंट दिखाई दे रहा है क्वेश्चन में अगर इसके अलावा कोई एडजस्टमेंट और दिखाई दे रहा है तो उसको भी एडजस्ट कर लेंगे नहीं दे ले रहा तो क्या करना है बस सर कैलकुलेट कर लीजिए आपका क्या आ जाएगा प्रॉफिट आ जाएगा या लॉस जो भी किया सर वो आ जाएगा प्रॉफिट आ जाएगा या लॉस जो भी आपने किया सर वो आ जाएगा करें क्या चलो सर कर लेते हैं एक बार कर लेते हैं सर एक बार हा ना बैड डेट्स का एडजस्टमेंट भी करना था और इसका एडजस्टमेंट भी करना था आ जाइए भाई कर लीजिए दोनों को माइनस तो नाइन थर्टी माइनस करना बेसिकली जीरो फाइव माइनस थ्री टू और थर्टीन माइनस नाइन तो फोर और ये बच्चा फोर और ये बच्चा टू टू फोर फोर टू जो है वो आपका आ जाएगा प्रॉफिट ठीक अब इसको करने का दूसरा तरीका भी था कि मैं इन एडजस्टमेंट्स को बैलेंस शीट में ही कर देता अगर मैं इन एडजस्टमेंट्स को बैलेंस में ही कर देता तो मेरी क्लोजिंग कैपिटल ठीक हो जाती वो मेथड जो है, वो है। क्या? कि में जाता। तो यहां पर क्लोजिंग कैपिटल कुछ और आती है आपकी अगर मैं डेटर्स को कर देता तो नाइन हंड्रेड से ठीक है, है दूसरा अगर मैं इंटरेस्ट ऑन लोन वहीं पे आउटस्टैंडिंग कर देता तो मेरा कैपिटल पे इंपैक्ट हो जाता तो इधर भी कर सकते हैं सर उधर भी कर सकते हैं जो आपको बेहतर लगे ठीक स्क्रीनशॉट कैप्चर करो ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है जल्दी से कर लीजिए स्क्रीनशॉट कैप्चर और ये रहा आपका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इसका भी स्क्रीनशॉट कैप्चर करेंगे मैं इसको बैलेंस शीट में भी इन एडजस्टमेंट्स का इंपैक्ट दे सकता था बात समझ में आई चलिए सर चलिए सर हो गया ना डन डन इसी तरह के बेटा वीडियोस को देखने के लिए आपको जुड़े रहना पड़ेगा मैग्नेट बेंस के साथ मेरे साथ क्योंकि यहां पे आपको मिलता है हंड्रेड परसेंट कंप्लीट फ्री एजुकेशन और यह क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं हम सी बी एस सी इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड बिहार बोर्ड और एमपी बोर्ड के वीडियोज मिलते हैं स्पोकन सी यू टी और एन टी एस सी ओलंपियाड के वीडियोज भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं अपकोर्स ये आपके लिए हंड्रेड परसेंट फ्री होता है नोट्स डाउनलोड करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होती जाके चेक कर लीजिएगा मेरे सारे रिकॉर्ड लेक्चर्स आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले के माध्यम से वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और शेयर कर देना मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल स्वस्थ रहिए मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई को एंजॉय करना ना भूलें थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग